नमस्कार, मैं आपको बता सकती हूँ आप देख रहे हैं चैनल। वक्त हो गया दिन भर के कुछ खास खबरों का। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 69 हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं। केरल में 52 मामले हैं, जिनमें 7 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। दिल्ली में 30 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें एक विदेशी शामिल है, जबकि यूपी में एक विदेशी समेत 27 मामले सामने आए हैं। अब तक देश में 415 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए रामनगरी भक्तों के प्रवेश पर लगी रोक के बीच श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला को नए मंदिर में शिफ्ट करने की तैयारी सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गई है। जयपुर के राजघराने से नए घर में रामलला को विराजमान कराने के लिए चांदी का सिंहासन भेंट किया गया है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन उनके संपर्क में आने वालों की जांच रिपोर्ट लगातार निगेटिव मिल रही है। पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद, उनकी पत्नी समेत 43 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। हालांकि अभी कुछ लोगों की जांच चल रही है। कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर समेत 16 जिलों को लॉकडाउन कर दिया है। लॉकडाउन सोमवार से 25 मार्च तक रहेगा। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में 16 जिलों को लॉकडाउन किया जा रहा है। कोरोना वायरस का कहर शेयर बाजार पर भी टूट पड़ा है। वायरस के पहले के डर से देश के बाजारों में आ रही तेजी गिरावट के कारण बाजार में लोअर सर्किट लगा दिया गया है। बॉम्बे शेयर बाजार में कारोबार बहाल होने के बाद गिरावट बरकरार है। सेंसेक्स 3,185.84 अंक लुढ़क कर 26,730.12 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 9,023.95 अंक गोटा लगाकर 7,821.50 अंक पर पहुंच चुका है। जापान के टोक्यो शहर में इस साल होने वाले ओलंपिक खेलों के आयोजन को बड़ा झटका लगा है। कोविड-19 के कारण विश्व भर में अभी 14,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 पर विश्व भर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इसे स्थगित करने की मांग लगातार उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और राजधानी में जगह जगह लागू प्रतिबंध के मद्देनजर अपने कामकाज को सीमित करने का फैसला लिया है। अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केसों की सुनवाई होगी। नागरिकता कानून एवं एनआरसी के विरोध में लखनऊ के घंटा घर में पिछले 66 दिनों से चल रहे प्रदर्शन को किया गया स्थगित। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पुलिस आयुक्त को लिखित सूचना दी है कि वे कोरोना वायरस के कारण इस धरने को फिलहाल स्थगित कर रही हैं। तो दिन भर की खबरों में खास खबर इसी तरह के खास खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।